रहता मैं नहीं करता। हाँ हाँ, क्यों तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारी मां कंप्लेन कर देगी? नहीं यार, मुझे डर से ये लगता है कि कंप्लेन करने में मम्मा दूर हो गई तो रुकेंगी नहीं। हाँ हाँ। आज निम्फ प्री प्राइमरी दो ब्रांचेस के एनुअल फंक्शन यहाँ पर संपन्न हुए। मॉर्निंग में हनुमान नगर प्री प्राइमरी ब्रांच निम्फ द प्री प्राइमरी के बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया और अभी शाम को यहाँ पर गांधीपथ वेस्ट निम्फ ब्रांच जो प्री प्राइमरी ब्रांच है उन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया और छोटे छोटे ढाई ढाई तीन तीन साढ़े तीन तीन साल के बच्चे थे उन्होंने परफॉर्म किया। मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पर अक्षरधाम जयपुर अक्षरधाम के जो प्रमुख थे जो संत जी यहाँ पर आए उन्होंने पेरेंट्स को ये मैसेज दिया कि फादर जो होते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तभी एक फादर का भी जन्म होता है साथ के साथ में। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में माता को देवतुल्य बताया गया है, पिता को देवतुल्य बताया गया है, तो ये भी एक बच्चे को परवरिश देना, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को आगे अपने जीवन का एक उज्जवल भविष्य देना, ये उनके लिए एक साधना है पेरेंट्स के लिए। तो ये पेरेंट्स के लिए कोई सामान्य कार्य नहीं है, पेरेंट्स की एक साधना है, तपस्या की तरह उन बच्चों को संभालना पड़ता है। हर छोटी छोटी चीज, आज स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो उनको भौतिक शिक्षा मिल रही है उसके साथ साथ बच्चों को एक सांस्कृतिक शिक्षा भी देना जरूरी है। और जो शाम के टाइम पे यहाँ पर एनुअल फंक्शन है जो प्री गांधीपथ वेस्ट का जो यहाँ पर फंक्शन है उसमें मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हैं ब्रिगेडियर मोहन सिंह शेखावत जी। उन्होंने बच्चों को बताया कि बच्चों को अगर अपना एक पोजिशन बनानी है बड़े होकर तो पेरेंट्स के, उन्होंने एक मैसेज दिया है पेरेंट्स को कि बचपन से ही उनको स्ट्रॉन्ग जितने भी कल्चर्स हैं, जितना भी एक अच्छे संस्कार हैं वो पेरेंट्स को देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को ये मजबूती मिले कि हमें आगे जाके करना क्या है। और पेरेंट्स को भी यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई पेरेंट्स जो हैं बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लें, उनकी हर एक चीज़ के साथ में उनको प्रोत्साहित करें। और बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ढाई साल तीन साल साढ़े तीन साल के बच्चों को यहाँ पर परफॉर्म करवाना टीचर्स के लिए भी टास्क था। टीचर्स ने उन बच्चों के साथ में, टीचर बनके तो उनको सिखाया ही, साथ के साथ उनको एक मदर की तरह, एक कोरियोग्राफर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, कभी वो बच्चा अपने माइंडसेट की तरह, माइंडसेट बेटर है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट माइंडसेट बेटर नहीं है तो शायद उसका मूड है आज वो तैयारी नहीं कर रहा है। फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए आज मंच पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, सारे ऑडियंस ने इनको बहुत ही सराहा है। और माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समय पर आके प्रोग्राम को बिल्कुल सुचारू रूप से हमें क्रियान्वित करने के लिए हमको प्रेरित किया है, उन माता पिता को भी धन्यवाद है। और स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं सोनिया शर्मा और जो प्री प्राइमरी ब्रांच की जो डायरेक्टर मिसेस दीपा, उन्होंने बच्चों को पूरे एक महीने से लगातार उन बच्चों के साथ मेहनत कर, दिन में उन बच्चों के साथ फिजिकली मेहनत करके, रात में उन बच्चों के लिए प्रिपरेशन करना, पर्दे के पीछे किस तरह की प्रिपरेशन है, उन सारी प्रिपरेशन को करते हुए आज हम सबको ये मौका मिला है। हम जितने भी गेस्ट हैं हम लोगों को सबको ये परफॉर्मेंस देखने का जो मौका मिला है उसके लिए हम बहुत ही अनुग्रहित हैं और वेरी मच थैंक यू।